सो हेलो ब्रो डिवान सब हाई जन एंटी बैक टू द किंग एंड न्यू वीडियो। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए कैप कट ऐप। चलो मैं कैप कट में चलाता हूँ, इसे बैक करके हटाता हूँ। वीडियो नए बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए और कोई सा भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए चलो मैं अपना फ़ोटो पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा फ़ोटो कोई सा भी एक फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेना, मैं अपने हिसाब से मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में ऐड कर देना। ठीक है, और ऐड करने के बाद में इस वीडियो का लेयर जो है हमें बड़े करने होंगे। तो उससे पहले हम 9:60 में इसका फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, 9:60 के बाद जूम करके हम इसे अपने हिसाब से मिला लेंगे। ठीक है, और आपका 9:60 में होगा फिट अगर होगा तो ठीक है, ना तो जूम करके मिला लेना। ठीक है, और इस वीडियो के लेयर हम बड़े करेंगे। ठीक है, उससे पहले इधर कैपकट का लोगो होता है उसे डिलीट कर देना। ठीक है, और इसका 17 सेकंड, ठीक है 17 सेकंड इसका टाइमिंग लगा देना। ठीक है, उतने बड़े जूम करके रख देना। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो जो हमारा म्यूजिक था वो चलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो सिलेक्ट करने के बाद में हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, हम प्ले करके देख चुके हैं और ये बाकी का जो पार्ट है उसे हम कट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलो स्प्लिट करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद में हमें जहाँ जहाँ पे बीट है उसे थोड़ी थोड़ी से साइड में स्प्लिट करना। ठीक है, जैसे जाके एनिमेशन हम डालें तो हमारी जगह बीट पर पड़े। ठीक है, तो चलो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर भी प्रत्येक बीट पर, ठीक है जितना बीट है सारे बीट पर हम स्प्लिट कर देंगे। चलो फटाक से सब में स्प्लिट स्प्लिट, इस पर भी ध्यान रहे बीट से थोड़ी सी इधर होने चाहिए, जो कि एनिमेशन हम लगाएंगे तो एग्जैक्ट हमारे बीट पर पड़े। ठीक है, तो बीट से थोड़ी सी लेफ्ट साइड में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो आप वीडियो में, ये वैसा ही एग्जैक्ट हमें स्प्लिट करके जितने सारे बीट है उतने सारे पर कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट ओके, इस पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी, फिर सेलेक्ट करेंगे वीडियो का लेयर का फोटो को और स्प्लिट इस पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमारा अब हो चुका है लास्ट, ये स्प्लिट है, स्प्लिट का हो गया और एक बार। ठीक है, और इसे हम एनिमेशन डालेंगे। ठीक है, तो इस पर वीडियो का फर्स्ट लेयर है उसे सेलेक्ट करके एनिमेशन जाएंगे और कॉम्बो लगाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट का जो है फर्स्ट में डाल देंगे हम, साइड एंड लिखा हुआ है वहीं कॉम्बो डाल देंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो के जो दूसरे लेयर है उस पर क्लियर करेंगे और इस पर हम डालेंगे जूम। जूम तो अभी ये नहीं, साइड में बहुत सॉरी, चलो इसमें हम जूम टू डाल देंगे। जूम टू हो गया और इसके में फिर से जाएंगे और एनिमेशन में जाकर सबसे लास्ट सेकंड में जो है वहीं डालेंगे स्विंग बटम लेफ्ट। ठीक है, इसमें जूम जूम टू जूम नहीं ओनली जूम नहीं जूम टू। ठीक है, जूम टू हो गया और फिर इसमें हम वहीं डालेंगे लास्ट सेकंड में था वहीं। ठीक है, स्विंग बटन लेफ्ट। ठीक है, ध्यान रहे एक में जूम टू और एक में स्विंग बटन लेफ्ट, इसमें जूम टू जूम टू यहाँ पे है, जूम टू हो गया। ठीक है, और फिर दूसरे में हम डालेंगे वो स्विंग। ठीक है, वैसे खोजने में दिक्कत नहीं होगी, सीधे लास्ट में चले जाना है एनिमेशन के और लास्ट का सेकंड जो है वही है। ठीक है, वो डाल देना, हो जाएगा। वैसे करके हम सारे वीडियो के लेयर जो हाँ जहाँ स्प्लिट किए हुए थे उस सारे में एनिमेशन ऐसे हम डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद में हमारा काम हो रहा जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी डाल देंगे,
यहाँ पर भी हो गया हमारा बाकी ये पार्ट। इस पर स्विम टू स्विम बटन लेफ्ट, ठीक है ओके। यहाँ पर जूम टू, चलो यहाँ पर स्विम लेफ्ट, यहाँ पर फिर से जूम टू, स्विम लेफ्ट, स्विम बॉटम लेफ्ट, यहाँ पर जूम टू और फिर जूम टू है क्योंकि बीट दोनों सेम है, ठीक है इसलिए दोनों में जूम टू लगाना, ठीक है। और लास्ट वाले पार्ट में स्विम स्विम उसका क्या नाम था भैया, स्विम बॉटम लेफ्ट, ठीक है हो गया। और इस पर हम एक और इफेक्ट डाल देंगे जो थोड़ा सा ही होगा हमारा लिए, तो इफेक्ट में जाते हैं, इफेक्ट यहाँ पर है, इफेक्ट क्लिक करेंगे हम और वीडियो इफेक्ट में, ठीक है। और वीडियो इफेक्ट में यहाँ पर जाके तीसरे नंबर पर तीसरे में वाइब्रेशन फ्लैश, ठीक है तो हम वाइब्रेशन फ्लैश को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका रिड्यूसर है जो हम पूरे वीडियो के हम वीडियो पर कर देंगे, ठीक है। देखो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है, चलो प्ले करते हैं। हो गया हमारा वीडियो, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है जो दिखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसे स्पॉट कर देंगे, ठीक है इसे बहुत सुनो। ठीक है और मैं जितना बोलता हूँ कि इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा में हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए हाई क्वांटिटी में, लेकिन हमारा वीडियो क्वालिटी जितना बढ़िया होगा उतना ही बेटर होगा, ठीक है इसलिए मैं अपने हज़ार हज़ार पर करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी हज़ार आपके अनुसार आपकी मर्ज़ी जितने पर, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना हाई क्वालिटी होगा उतना ही वीडियो ग्रो होने का चांस होता है, इसलिए हाई क्वालिटी में ही आप लोग भी वीडियो एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं फटाक से एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो एक्सपोर्ट करने के बाद में आप सब अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है ओके। तो चलो एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने वीडियो पूरे।